It's summer time. That means it's time to go back to our summer dresses. Those cute printed summer dresses, like the top I'm wearing now. मुझे ऐसे dresses, ऐसे tops, you know, ऐसे pieces बहुत ज़्यादा पसंद हैं. So today I thought, why not? You know, style our summer dresses and be prepared for this summer. कि मतलब मैं ready रहूँ इस summer के लिए. मुझे ना कहीं पे जाना हो तो मुझे इतना सोचना ना पड़े कि मैं कौन सा dress पहनूँ, उसके साथ कौन सा footwear, कौन सा accessories like चलो अभी स्टाइल करते हैं और रेडी रहते हैं समर के लिए सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो हे माय नेम इज निवेयता सेटिया इफ यू आर न्यू हियर आई मेक वीडियोस ऑन फैशन स्टाइलिंग हॉल वीडियोस एंड सम टाइम ट्रैवल व्लॉग्स सो इफ डज समथिंग यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट ड्रेस इज दिस वन जिस पे यू नो ब्यूटिफुल फ्लावर प्रिंट्स है ऑफ पिंक एंड ब्लू कलर के पूरे ड्रेस में फ्लावर प्रिंट्स हैं एंड ग्रीन कलर के भी फ्लावर्स है सॉरी एंड yeah, थोड़े लेवस टाइप भी प्रिंट्स है तो फ्लावर एंड लेवस टाइप के पूरे प्रिंट्स है होल ड्रेस uh, में एंड इसका जो स्लीव्स है वो पाप स्लीव है और ये मैंने एक्चुअली मीशो से लिया था दिसंबर में जब सेल चल रहा था मीशो पे तब विंटर था पर मैंने सोचा ये ड्रेस क्योंकि बहुत सस्ते में मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ मैं इसको समर में ज़रूर स्टाइल कर सकती हूँ एंड यू कैन सी द ड्रेस इज़ लुकिंग वेरी 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 क्यूट ऑन मी एंड मैंने इसको एक्सेसराइज किया विद दिस सिल्वर हुप एयरिंग्स एंड माय सिल्वर नेकलेस जिसपे एक फ्लावर है ऑनड द ब्लैक वॉच एंड यू you नो know, मैंने एक्सरसाइज करने के लिए ये टेडीवेयर जैसा ये बैग बे, भी लिया है टू यू नो ब्रिंग आउट अ मोर क्यूट लुक क्योंकि ये ड्रेस इतना क्यूट है एंड मुझ पर बहुत क्यूट लग रहा है सो so, मैंने इसको क्यूट मोर क्यूट टेक्चर मतलब एनहेंस करने के लिए जो क्यूट लुक आ रहा है सो so, उसके लिए ये टेडीवेयर बेग लिया है एंड ऑफकोर्स जो ब्लैक शूज़ बहुत अच्छे से परफेक्टली मैच हो रहा है एंड यू कैन से दिस इज़ ओवरऑल अ समर वाइब यू नो लुक एंड इज गिविंग सो मच ऑफ अ समर वाइब तो मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया सो या दिस व फर्स्ट ड्रेस एंड दिस इज़ द फर्स्ट लुक द सेकेंड ड्रेस इज दिस फ्लावर प्रिंटेड ड्रेस जो भी फ्लावर प्रिंटेड ही है बट इसके जो फ्लावर प्रिंट्स है वो थोड़े छोटे छोटे है एंड ब्लू कलर के है एंड द ड्रेस इज व्हाइट एंड ब्लू कलर के प्रिंट्स है इसमें सो सेम लाइक द फर्स्ट वन बस इसके फ्लावर प्रिंट्स थोड़े यू नो छोटे छोटे है एंड इसके जो स्लीव्स है थोड़े यू नो फ्लैट टाइप स्लीव है ताकि ये फ्लैट जैसे यहाँ पे हो एंड यहाँ पे भी थोड़े फ्लैट टाइप का एक यू नो डिजाइन है यू वेस्ट के साइड में एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट ड्रेस एंड ये बहुत पुराना है और इसको मैंने कितनी बार पहना है वेकेशन पे भी ट्रिप पे भी ऐसे यू नो कैजुअली कभी समर टाइम पे शॉपिंग करने के लिए भी मैंने बहुत बार गई हूँ क्योंकि ये शायद मैंने टू या थ्री इयर्स पहले गुवाहाटी से लिया था बहुत पुरानी है ये ड्रेस और इसको मैं बहुत बार पहनी हूँ बट मुझे ये पहनने में बहुत अच्छा लगता है समर टाइम में क्योंकि इट्स ये मतलब पहनने में बहुत कंफर्टेबल है बहुत लाइट वेट है तो गर्मी भी नहीं लगती और आप बहुत कंफर्टेबल भी हो एंड यू कैन सी द ड्रेस इज लुकिंग सो 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 गोड मी एंड इट्स लुकिंग सो 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 क्यूट एंड इसको मैंने एक्ससराइज़ किया है विद दिस यू नो फॉर इयर आई एंड वेन फॉर दिस स्टार्ट ईयर क्योंकि ये ड्रेस इतना क्यूट है तो ज़्यादा एक्ससराइज करने की जरूरत नहीं है या हम मैंने जैसे अब ये ब्लैक वॉच पहना है ब्लैक वॉच ओके एंड देन आई वन फॉर दिस वाइट शूज क्योंकि तो ड्रेस क्यूट एंड वाइट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ब्लैक भी मैं

समर में पहनने के लिए ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ स्टाइलिश लुक यू नो एलिगेंट लुक टू गो फॉर पार्टी और टू गो फॉर डेट और टू गो टू यू नो ब्रंच और डिनर तो आप एक अच्छा स्टाइलिश लुक क्रिएट करना चाहते हो समर में सो दैट्स आई एम गोइंग टू डू नाउ तो जैसे आप देख रहे हो ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है एंड इसको मैंने एक पार्टी लुक ही दिया है विद दिस बेग दिस क्लाच एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा यू you नो know, मुझे स्टाइलिश लुक दे रहा है एंड दिस गोल्डन होप एयर एंड गोल्डन नेकलेस तो मैंने इसको एक बहुत यू नो पार्टी एक लुक uh, बनाने की ट्राई किया है एंड दिस हिल्स ऑब्वियसली लुकिंग लुकिंग वेरी वेरी क्यूट वैसे ये ड्रेस भी बहुत पुराना है मैंने शायद दो या तीन साल पहले ही लिया था बट मैंने इसको सिर्फ़ एक या दो बार ही पहना है बहुत कम बार पहना है चाहे वो दो या तीन साल पहले लिया हो तो आई थिंक दिस वे आई कैन क्रिएट अ वेरी यू नो गुड स्टाइलिश लुक इन समर इफ आई हैव टू गो फॉर पार्टी है डेट एवर दिस इज द नेक्स्ट लुक द नेक्स्ट ड्रेस इज दिस वन दिस वन इन ग्रीन एंड इस पे यू नो पिंक एंड येलो कलर के फ्लाप प्रिंट्स है एंड या फ्लाप प्रिंट समर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए और वैसे भी मुझे फ्लाप प्रिंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है सो दैट्स आई लव यू नो समर क्योंकि मुझे जो ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है वो मैं समर में अच्छे से वाइप कर सकती हूँ सो दिस वन और ये मैंने गोवा से लिया था जब मैं रिसेंटली दिसंबर में गोवा ट्रिप पे गई थी तो अंजुना मार्केट से मैंने ये ड्रेस लिया था और उसके बाद जब मैं केरला ट्रिप पे गई थी तो उधर समुद्र रिजॉर्ट में केरला में मैं मैंने इसको स्टाइल भी किया है सो एंड दिस इज लुकिंग वेरी क्यूट ऑन मी एज यू कैन सी नाउ और मैंने इसको और ज्यादा क्यूट लुक देने के लिए इसको ना आई वेंट फॉर दिस येल्लो क्लिप्स है क्लिप जो बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहा है एंड दिस स्मॉल टाइनी वाइट बिग जो भी बहुत क्यूट है तो इसलिए बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है एंड दिस ब्लैक शूज एंड आई एम गोइंग फॉर ब्लैक वॉच वो तो है सही एंड आप इसको पहनो वॉच नहीं पहनो ओके बट इट्स लुकिंग ओवरऑल वेरी क्यूट एंड मुझे क्यूट टाइप लुक्स बहुत ज्यादा पसंद है इट्स गिविंग सो मच ऑफ ए समर वाइब एंड यू नो बहुत ज़्यादा काम भी फील कर रहा है क्योंकि द क्वालिटी ऑफ़ द ड्रेस इज ऑल्सो वेरी 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 गुड बिकॉज इट्स वेरी कम्फर्टेबल टू वे बहुत लाइट वेट है तो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी कम्फर्टेबल भी फील कर रही हूँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है एंड इट्स गिविंग सो मच ऑफ अ समर वाइव और बहुत क्यूट भी लग रहा है सो दिस इज द नेक्स्ट लुक एंड आई एम लविंग इट द नेक्स्ट ड्रेस इज दिस वन दिस वन इन येलो और ये भी बहुत क्यूट है एंड इस पे भी फ्लावर प्रिंट्स है इस पे पर्पल कलर एंड व्हाइट कलर के फ्लावर प्रिंट्स है बट जो व्हाइट कलर के फ्लावर प्रिंट्स है वो ज्यादा अच्छे से यू नो अच्छे से समझ नहीं आ रहा है बट पर्पल वाला ज्यादा अच्छे से पता लग रहा है सो दिस वन एंड इसके पीछे चेन है एंड आगे बटनस भी है यू कैन सी तो इसको पहनने के लिए बहुत कम्फर्टेबल है वैसे ये एक चिफ ड्रेस है बट यू कैन सी इट्स वेरी इन गुड कंडीशन एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा क्यूट भी है एंड इट्स ऑल्सो वेरी 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 कम्फर्टेबल टू वेयर एंड बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझ पर एंड इट्स ऑल्सो गिविंग सो मच ऑफ अ समर वाई बी ए श्योर है ड्रेस लेंथ में बट समर uh, के लिए अच्छा है आप अगर वेकेशन पर जाओ तो uh, मैंने रिसेंटली वेकेशन केरला वेकेशन पर जब मैं केरला ट्रिप पर गई थी तो वहाँ मैंने इसको पहना था हाउस बोट पे It's giving so much of a calm and you know summer vibe, you know. कम्फर्टेबल है क्योंकि इसका जो फैब्रिक है जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छा है तो बहुत लाइट वेट भी है ये ड्रेस तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है तो अभी जैसे मैंने इसको स्टाइल किया है विद द सेम येलो क्लिप्स अभी जो मैंने पहने थे तो द ड्रेसेज येलोड अच्छा है एंड इट्स क्यूट ऑल्सो एंड टू ब्रिंग आउट मोर क्यूट लुक एंड अ सेम वाइट बेग यू कैन सी जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है एंड वाइट शूज़ एक्चुअली टू इट्स गिविंग अ क्यूट लुक समाइट समो लुक एंड या दिस इज़ द नेक्स्ट लुक सो दिस इज़ हाउ आई ट्राई टू स्टाइल माई समर ड्रेसेज टूडे एंड मैं इसका एक सेकेंड पार्ट भी लेके आऊँगी क्योंकि सारे ड्रेसेस मैं अभी करती तो थोड़ा वीडियो लंबा पर जाता तो इसीलिए मैंने कुछ ड्रेसेस को स्टाइल किया एंड आई एन्जॉय द लॉट बिकॉज ये समर ड्रेसेस ना बिल्कुल मेरे वाइब के साथ बहुत ज्यादा मैच होता है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड होप यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड या डू सब्सक्राइब माय चैनल मेथ इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय